लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार दारू की दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की छूट दे रही है और दूसरी तरफ मंदिरों पर ताला लगाए रखना चाहती है, यह पक्षपातपूर्ण रवैया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आस्था की बात नहीं बल्कि मंदिरों पर आश्रित लाखों लोगों की जीविका का भी मामला है, इसलिए राज्य सरकार को इसे तत्काल खोलने का निर्णय लेना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। राज्य में दो सालों से मंदिर बंद हैं और बीजेपी उन्हें खोलने के लिए लगातार घंटा आंदोलन चला रही है। आज नई मुंबई आए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मंदिरों पर पाबंदी लगाए रखने को उद्धव सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को दारू की दुकानें शॉपिंग मॉल्स को परमिशन देने में हर्ज नहीं है, लेकिन वह मंदिरों पर ताला लगाए रखना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दारूबाजों के बारे में सोचने वाली सरकार यदि मंदिरों के बारे में 10% भी सोचती तो ऐसे पाबंदी नहीं रखती। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है बल्कि मंदिरों पर आश्रित लोगों की जीविका का भी सवाल है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आइए सुनाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा। या ठिकाणी जे रेस्ट्रिक्शन महाराष्ट्रामध्ये मंदिरांवर इतक्या दिवसात लागलेले आहेत ते कुठल्याही राज्यात नाही। उत्तर प्रदेशातले मंदिरं खुले आहेत, मध्य प्रदेशातले मंदिरं खुले आहेत, छत्तीसगडमधले मंदिरं, सगळीकडचे मंदिरं खुले आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही दारूची दुकानं उघडू शकता, मॉल उघडू शकता, तुम्ही त्या ठिकाणी सगळ्या प्रकारचे हॉटेल्स उघडू शकता। हे या हॉटेल्सही उघडणं आवश्यक आहे, त्याला आमचा विरोध नाही आहे। तिथे गर्दी होत नाही का? फक्त मंदिरात गर्दी होते। मला असं वाटतं की या संदर्भात वस्तुनिष्ठ विचार केला पाहिजे। मी वारंवार सांगितलं आहे, मंदिरं उघडणं हे काही आस्थेचा विषय नाही आमच्याकडे। आम्ही हिंदू आहोत, 33 कोटी देव आमचे आहेत, या पिलरमध्ये आमचा देव आहे, त्याकरता नाही, पण त्या मंदिरावर इतके गरीब लोक अवलंबून आहेत। आज त्यांची उपासमार होत आहे, त्यांना काय मदत केली सरकारने? जो फूल विकणार आहे, जो अगरबत्ती विकणार आहे, त्याला काय मदत केली? तिथला पुजारी आहे, त्याला काय मदत केली सरकारने? एक मोठी अर्थव्यवस्था या मंदिरांवर आहे। त्यांना कुठली मदत न करता केवळ हे सांगायचं, म्हणजे आपल्याला जेवढा विचार दारू पिणाऱ्यांचा आणि दारू विकणाऱ्यांचा आहे, त्याचा 5% विचार तरी मंदिरांच्या संदर्भात केला पाहिजे ना। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।